बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ चनाब कॉलेज जंग। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टुडे वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वी विल डिफाइन इट and we will explain further terms related to it. First of all, its definition. It is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reaction. जो electricity है, जो electrochemistry है, basically ये दो words का combination है, electrotride हुआ electricity से। और chemistry जो है इसमें, जैसे हम first chapter में हमने पढ़ा था कि chemistry में हम मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर के प्रॉपर्टीज, मैटर में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमारे पास केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं, और ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इन्वॉल्व द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। कि आपका इंटरनल कन्वर्जन का मतलब है कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, इन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बैटरी के अंदर आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसमें केमिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल एनर्जी को जब हम टॉर्च में यूज करते हैं या फॉर एग्जांपल कार में बैटरीज यूज करते हैं, तो केमिकल जो एनर्जी होती है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसके रिजल्ट में आपकी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशनशिप जो है, जो इंटर कन्वर्जन है, उसको हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो जब उनमें केमिकल रिएक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इन रिएक्शन में, और रिडक्शन रिएक्शन होता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखें कि हमने रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडक्शन का रेड REG और ऑक्सीडेशन का OX, इसको कंबाइन किया तो ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन बन जाता है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन आपके सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है। इसका यूज क्या है, जैसे अगर हमने कोई इम्प्योर मेटल है उसको प्योर करना है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिजल्ट में ये केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी होती है जिसमें गोल्ड प्लेटिंग हमने करनी है, सिल्वर प्लेटिंग करनी है, तो उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज होता है। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें मतलब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ये आपके जैसे सेल्स हैं, बैटरीज हैं, टीवीडी मोड्स हैं, बैटरीज जैसे कार्स में यूज होती हैं, आपके टॉर्च में जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी है, टीवीडी मोड्स में यूज होते हैं। तो इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है कि इनमें क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स हैं इन रिडॉक्स रिएक्शन की। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं या ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे। अब स्पॉन्टेनियस क्या रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिनको प्रोसीड करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना हो, कि जो खुद बाखुद हो, जिन्हें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना हो। मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, खुद बाखुद होगा, अब वो इलेक्ट्रिसिटी आपको देगा। जैसे आपके गैल्वेनिक सेल होते हैं और आपका क्रोयन का प्रोसेस होता है, क्रोयन जंग लगने का जो प्रोसेस होता है बेसिकली, उसके बाद में केमिकल रिएक्शन, जैसे जिंक है तो जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो इस केमिकल रिएक्शन में आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं देना पड़ता, क्योंकि जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, और जो कॉपर है इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इस
की टाइप है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस आर दोज विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, कि जिसमें केस में आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़े। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करेंगे तब वो केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसी चीज का ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। और फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज का मतलब होता है कि माल्टेड फॉर्म में, जो आपके पास NaCl होगा टू प्रोड्यूस सोडियम। कि NaCl है इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक्रन देंगे, तो ये आपका सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन की दो टाइप्स हो गई, स्पॉन्टेनियस और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि हम इसको डिफाइन करेंगे। इसकी थ्री डेफिनेशन है बेसिकली इसमें, कि फर्स्ट आपकी बेस करती है ऑक्सीजन पे, कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है किसी रिएक्शन में, तो उससे हमें पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या इस रिएक्शन में आपके पास रिडक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका मतलब कि वहां उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। जहां से रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी इसका मतलब कि वो चीज आपके पास रिड्यूस हो गई है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, आपकी बुक में एग्जांपल जिंक ऑक्साइड ही दी गई है प्लस कार्बन। आप उसकी जगह ये एग्जांपल भी दे सकते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर, आप देखें कि ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया है साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब पहले इसके साथ ऑक्सीजन थी कॉपर के साथ, अब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन, तो इसका मतलब यहाँ कॉपर आपके पास रिड्यूस हो गई। मैग्नीशियम में आप देखें जस्ट पहले ये मैग्नीशियम था, केमिकल रिएक्शन के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज अ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़नी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर कहीं हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो आपकी ऑक्सीडेशन होगी, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो आपकी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर एक में एडिशन होगी तो दूसरे में रिमूवल। अब देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है आपके पास, सल्फाइड प्लस क्लोरीन, अभी आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन आपकी HCl में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोजन सल्फाइड को देखते हैं, पहले ये H2S की फॉर्म में था, अब जस्ट सल्फर की फॉर्म में है, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरीन को, पहले ये Cl2 के फॉर्म में था, अब ये HCl के फॉर्म में है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो इसका मतलब कि ये आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये क्या है रिडक्शन। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है इलेक्ट्रॉन में, और इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं और इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑक्सीडेशन है, कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, कि जब किसी एटम से या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपनी बुक में आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली आयन नजर आएंगे, यहाँ पे जिंक है, जिंक में अब दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं और जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इसने अपने आप को स्टेबल करने के दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कोई आयन भी हो सकता है, जैसे यहाँ फेरस आयन है Fe2+, अब ये आयन अपना फर्दर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो ये Fe3+ फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेरिक आयन में जब कन्वर्ट हुआ है तो इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन।
नेक्स्ट आपके पास है रिडक्शन. व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन. कि जब कोई एटम या कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब वो रिड्यूस हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो प्रोटॉन्स है. आप प्रोटॉन कैसे बनता है कि जब आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब वो रिमूव कर देता है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं. अब 2 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब किसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए. ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा प्रोटॉन और ये आपका H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसके मतलब यहाँ पे आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन है, Cl2. अब ये Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है. अब क्लोराइड आयन में अब देखें कि यहाँ पे Cl2 कैसे बना है कि हर क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में आते हैं Cl2. तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है? रिडक्शन. कि अगर हम ओवरऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? जिंक और हाइड्रोजन आयन को, इस प्रोटॉन को हम ऐड करते हैं और एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन, ये दोनों कंबाइन होंगे. ऑक्सीडेशन से हमने जिंक, सेडन और एच पॉजिटिव हमने लिया है रिडक्शन से. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब हमने कंबाइन किया है तो उसके रिजल्ट में आपके पास जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन गैस बनी है. मतलब जो आपने रिएक्टेंट वाली साइड है वो रिएक्टेंट में ऐड करनी है, जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है वो प्रोडक्ट्स में हम ऐड करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए वही प्रोटॉन ने गेन करके आपके पास H2 में ये कन्वर्ट हो गया है. तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. तो अब तक हमने 3 डेफिनेशन पढ़ ली है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की. अब इससे रिलेटेड जो आपकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक आपकी कॉमन एग्जाम्पल है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो है आपके पास NaCl की. जो आप 4th चैप्टर में भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने आयोनिक बॉन्ड में ये एग्जाम्पल पढ़ी थी. अब इसमें इसको हमने रिडॉक्स रिएक्शन के लिहाज से इसको एक्सप्लेन करना है. इसमें बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है और कैसे ये कंपाउंड बना है. फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले, अब NaCl में सबसे पहले आपके पास क्या होता है? सोडियम. हम सोडियम को लेते हैं. अब सोडियम, आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है. ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है. तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उससे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो इसका मतलब सोडियम यहाँ पे क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज. नेक्स्ट हम क्लोरीन लेते हैं. अब क्लोरीन क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. यहाँ पे आप इसको स्टेबल करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को, तो आप यहाँ पे सोडियम के साथ 2 भी लगा सकते हैं. 2 लिखेंगे तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, तो क्लोरीन जो है वो यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और आपके पास क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी. अब क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये आपके पास क्या हो गई? रिड्यूस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब आपस में कंबाइन होंगे तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाता है? NaCl सोडियम क्लोराइड. तो इसमें बेसिकली आपने बताना है कि सोडियम क्लोराइड में आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो ऑक्सीडाइज होता है और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो रिड्यूस हो जाता है. जब हम इसको ओवरऑल रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास NaCl बनता है. तो अब तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का. इसको हम समराइज कर लेते हैं. हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी. अगर ऑक्सीडेशन आपको क्लियर है तो रिडक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. हम अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन.
कि अगर कोई एटम ऑक्सीजन ऐड कर रहा है अपने अंदर तो उसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया, अगर वो रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन तो उसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसका मतलब वो ऑक्सीडेशन है, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है इसका मतलब वो रिडक्शन है। उससे नेक्स्ट आपका है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो रिडक्शन है। तो ये 3 डेफिनेशन हैं जो हमने पढ़ी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। आज का टॉपिक हमारा यही था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ डेफिनेशन देखी और उनके एग्जाम्पल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम रिवाइज कर लेते हैं आज का लेक्चर। पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन आपके सेल्स के अंदर होते हैं। इन रिडॉक्स रिएक्शन की फर्दर दो टाइप्स हैं, स्पोंटेनियस एंड नॉन स्पोंटेनियस। स्पोंटेनियस जो खुद ब खुद होता है, और नॉन स्पोंटेनियस जिसको करने के लिए, जिस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो इसके बाद ही आपका डिफरेंस में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोंटेनियस एंड नॉन स्पोंटेनियस। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड लास्ट वन आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जो आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप काइंडली ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।